करो करो सफाई मौसम भाई करो, लगे पता कैसे थी सफाइयाँ। बहुत दुबई में गाड़ियों में घूम लिया, आज घर की सफाई करो पता चले। सोचा कि यार छत काफी गंदी गंदी लग रही थी, जानवरों को काफी गंदा किया होता है, बहुत सफाई कर दो। बहुत जबरदस्त हो गया, साफ हो गया, बहुत अच्छे से साफ हो गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब ठीक ठाक हैं? वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों आपका भाई न्यू व्लॉग के साथ हाजिर है। दोस्तों आज मौसम भाई कर रहे हैं छत की सफाई और उनने बहुत अच्छे से सफाई की है। उसके अलावा एक और काम किया इन्होंने, इन्होंने आज हमारे जो ओजी है और उसका मेल है उसके लिए उनका हाउस तैयार कर दिया। बहुत प्यारा बनाया है, छोटा सा बनाया है, बड़ा खूबसूरत बनाया है। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे हमारा मुर्गी का केज, क्यों लड़ रहे हो, नहीं मारो, जैसा हमारा मुर्गी का केज बना था वैसा ही सेम बना है, लेकिन इसका डोर ज़रा कॉर्नर पर आ गया, वो सेंटर पे डोर उसका, इसका कॉर्नर पर आ गया। अब हमारे पास हमारी तीन तीन बिल्डिंगें तैयार हो गई हैं मौसम भाई। एक बिल्डिंग हमारी ये है रैबिट हाउस, दूसरी ये पिजोन का, और तीसरा मुर्गियों का। तीन तीन बिल्डिंगें हमारी तैयार है। अभी एक बिल्डिंग और बननी बाकी है। कौन सा? फाउंटेन। फाउंटेन बना, हाँ कल इंशाल्लाह फाउंटेन बनेगा। रोहान आ लेना, मिट्टी के साथ नहीं खेलो, कल हमारा इधर फाउंटेन भी बनेगा इंशाल्लाह, कल उसका काम शुरू हो जाएगा, कल एक और बिल्डिंग शुरू हो जाएगी। उसके अलावा ये जो हमने प्लाजे बनाए हैं वो अलग हैं हमारे, ये छोटे 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 हमारे रूम्स हैं, छोटे छोटे प्लाजे हैं, बहुत ज़बरदस्त हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ जी, ये देखें जी अंदर की जगह, देखें अंदर लगाए हैं इंटों का इनने। मैं ऊपर से दिखाता हूँ, अभी तो छत बंद नहीं की, कल इसको बंद करेंगे। ये देखिए जी, यहाँ पर हमारी जो ओजी होगी, फीमेल होगी, यहाँ पर बैठेगी अपने अंडों के लिए, अपने बच्चों के लिए। ये देखिए, मैं इसको ढूंढ रहा था कब से, इसके अंदर घुसा हुआ है, मैं समझ रहा था वो टेबल के नीचे छोटा था, यहाँ पर ये अभी ये इधर खेल लें, इस जगह को एंजॉय करें। आज रात इधर कुछ भी नहीं रखना हमने, इसको ऐसी हवा लगे सूख जाए, खुशक हो जाएगा, इसका ठंडक ख़त्म हो जाएगी, कल धूप लगेगी, फिर उसके बाद यहाँ पर हम किसी वो मुर्गियों को या फिर किसी ओजी को, मेल को, उसके को शिफ्ट करेंगे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह फिक्स ही इनको कर देंगे जैसे ही डोर बन जाएगा। कल रात करके देखेंगे वैसे कि यार ठीक है, चक्कर कम है या ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से ठीक है, बहुत अच्छा बन गया। अब कल इंशाल्लाह वहाँ पर फाउंटेन का काम शुरू हो जाएगा, उसके अलावा फिर हमारे जो छोटे छोटे काम है रूटीन के वही चलते रहेंगे, फिर हमारा इंशाल्लाह बहुत जल्दी यहाँ वाला बड़े वाला जो है केज, मास्टर केज तैयार हो जाएगा। और हमारी जो बंगलाई स्विंच है इसकी दुम के बाल आने लग गए, ये देखिए जी आ रहे हैं ना जी, अब काफ़ी आ गए हैं, तीन चार नज़र आ रहे हैं मुझे। हाँ जी, पहले तो दुम बिल्कुल बराबर नज़र आ रही, बिल्कुल सीधी थी, क्लीन थी बिल्कुल। अभी इंशाल्लाह अभी इसको यहाँ से हमने उठा दिया क्योंकि यहाँ पर ये हिल रहा था, इसको फिक्स करना पड़ेगा हमें एक जगह पर, क्योंकि इनकी भी ब्रीडिंग हमें चाहिए, इनके भी अंडे शंडे चाहिए, इसलिए इसको अभी करेंगे फिक्स, देखें कहाँ पर करते हैं। और हमारे जो बजीज के बेबी हैं माशाल्लाह काफ़ी बड़े हो गए हैं यार, जो बड़े वाला वो देखें जी सामने, उसने आज बाहर आने की बहुत कोशिश की, अपने पाँव इसके कुज्जे के किन जो है डोर ये गोल सुराख इसके ऊपर रख लिए थे पाँव, लेकिन बाहर आ नहीं सका, जोर लगा नहीं सका, लेकिन इंशाल्लाह ज़्यादा दिन नहीं, अब दो तीन दिन की बात है, ये इंशाल्लाह बाहर आएगा, बाहर बैठेगा फिर जाएगा भी। अब तो इनके जिस्म पर बाल भी काफ़ी आ चुके हैं, ये डोर बंद है, नहीं तो मैं आपको दिखाता अंदर से, लेकिन नहीं यार उनको बैठा रहने देते हैं। ये देखा, ये इनकी मदर आ गई है, चलो इसने अब हमें देखने नहीं देना, चलो कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर खुश हो, कितने खुश हो ये भी बताओ, ठीक हो? और यार ये शुक्र वाली बात है कि हमारे जो कॉकटेल है यहाँ पर अब लड़ाई नहीं करते, यहाँ पर मिलजुल के रहते हैं, ग्रीन पैरट भी रहता है, बस हम यहाँ पर बॉक्स को इनके देख नहीं सकते कि अंडे शंडे देने की कोई प्लानिंग कुछ ऐसा, इनकी ब्रीडिंग नहीं चेक कर सकते क्योंकि यहाँ बॉक्स जो है ना ऊपर लग गया और यहाँ से साथ इसके लग गया। कोशिश करूँगा, किसी दिन ट्राई करूँगा, लेकिन अभी नहीं, अभी अपनी जगह बनाए इसके अंदर, उसके बाद फिर हम देखेंगे। और यार आज केज भी चेक कर ले, मेरा दिल है, ख्याल है मेरा कि शायद कोई अंडा आ गया, और दुआ है मेरी यार, बड़े दिन हो गए मुर्गी हमारी कोई अंडा नहीं दे रही। ये देखिए जी, चिक्स हमने बंद कर दिए, सर्दी नहीं जी, ये बीमार हो गए, इनको सर्दी लग गई है या पता नहीं क्या बात है, इनको हमने बंद कर दिया। ओहो हाथ ही सारा गंदा हो गया, चले यहाँ से साफ कर लेते हैं। और डव के काम देखें जी ज़रा, डव यहाँ पर ही बैठी रहती है,
बाकी बर्ड्स भी माशाल्लाह ठीक है यार। हमारी फिंच के ना बस अंडों में से बेबीज आने वाले हैं बहुत जल्दी इंशाल्लाह, तीन चार दिन ये मेरा ख्याल है कि तीन चार दिन में उनके बेबीज़ आ जाएंगे, फिर यार वो भी केज हमारा बराबर लगेगा, अच्छा लगेगा उनको देखेंगे रोज। तो यार आपने कमेंट में बताना हमारी ओजी का जो हाउस बना है कैसा बना है, बाकी रह गया फाउंटेन, फाउंटेन भी इंशाल्लाह बन जाएगा। आज मौसम है बड़े अच्छे से काम करके सफाई कर दी है, उसके अलावा अब छोटे छोटे हमारे काम है वो चलते जाएंगे और हमारे फाउंटेन का काम कल इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। यहाँ पर देखे ज़रा रैबिट कैसे खा रहे हैं, मौसम भाई खिला रहे हैं उनको। ओह ये क्या, दो पाँव पे खड़ा हो क्या आलियन, ये रैबिट कैसे खड़ा हो रहा है ये देखो। आपने भी खेलना, कितने मज़े से मस्ती कर रहे हैं। अच्छा एक और बात है, इनको अपने जो हाउस से पहचान हो गई है, ये जो है बड़े वाला और जिसके डार्क कान है ब्लैक कलर के कान है वो दोनों इस घर में रहते हैं इस वाले में, और जो छोटी वाली फीमेल है और ब्राउन वाइट कानों वाला जो है मेल वो दोनों इसमें खुद ही आ जाते हैं, मुझे करने नहीं पड़ते कि पकड़ के इधर करूँ इधर करूँ, अब खुद ही अपने इन अपने अपने घरों में आ जाते हैं। ये देखिए अभी वो वाइट कानों वाला जो इधर चला गया और जो रेड आइज़ वाला है वो यहाँ घुस गया, अब इनको अपने घर की पहचान है, अब ये टेंशन ख़त्म हो गई कि पकड़ कर करना पड़ेगा, और ये अपने घर में यहाँ पर खुश भी बहुत है, इनका ये घर बहुत प्यारा बना है, इनको ये पसंद भी आया बड़ा। ये देखें फीमेल, ये देखें कैसे घूम घूम के खा रहा है, इसको लगता है ज़्यादा पसंद आई है। हाँ इनके लिए गाजर बहुत अच्छी चीज़ है यार, वो भी मैंने इनको दी है बड़ी मर्तबा। तो ये सफाई हो गई है सारी, इसके अलावा यार मैं मेरा दिल लगे इनको एक बार बंद करके देखते हैं इसके अंदर, इधर आओ ना, अचो 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 अचो, इधर से आओ, इधर आओ इधर आओ इधर इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, खुद ही आ गई है ये तो। चलो अंदर ये देखें जी, हाँ जी काफ़ी जगह, काफ़ी खुला खुला जी, काफ़ी खुला खुला। आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा मानो, ये देख आ जा आ जा इधर आ जा, इसको भी पसंद है, इसको भी पसंद है, शौक शौक से वो ऊपर वाले देख रही, फीमेल देख रही है। हाँ जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ ओए आ जाओ आ जाओ, दे रहा, ये दे रहा। अरे हम दोनों दे रहे हैं, देखो वो देखे जी मैंने आलन से खा रहा है वो देखो आलन ना आपके पास है। लो जी ग्रीन पैरट जॉय भी आ गया नीचे, जॉय ने भी खाना है, जॉय समझ रहा कि खाना यहाँ से मिल रहा है भाई, हम भी तो पहुंच जाए लंगर लेने। कितना दिल कितना मजा आ रहा उनको। अच्छा जी आप लोग यहाँ पर ठीक हो खुश हो, इनकी जगह ओए इसको नीचे दे दिया पाँव के, तो यार इनके लिए काफ़ी बड़ी जगह है, खुली जगह है ना मौसम भाई, ठीक बन गया ना, बहुत प्यारा बन गया इनके लिए खुली जगह, बस अब कल छत का करना है और कल इसका डोर लगाएंगे, फिर इंशाल्लाह कल शाम को इनको इसके अंदर शिफ्ट कर देंगे। यार यहाँ पर देखें बजीज का जो बेबी है वो बाहर आने की कोशिश कर रहा है फिर से, इसमें ब्लू शेड आई है, इसमें वो जो शेड उसकी है वो दूसरी वाली फीमेल की वो शेड है, मुझे लग रहा है ये भी फीमेल ही है, ये देखें ये इनका बेबी है बड़े वाला। मुजम भाई देखना बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है, हाँ जी पूरी अभी कोशिश करेगा। हाँ मैंने दोपहर को भी देखा था ये उड़ने की कोशिश भी प्लान कर रहा पूरी, उड़ सकूँ, काफ़ी पार आ गए हैं अभी इसके, ये देखिए प्यारा माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, इसमें ग्रीन हो जाता ना कलर और भी खूबसूरत लगता, ग्रीन हो जाता, ग्रीन हो जाता, हाँ जी पर इनकी जो शेड है ना वही शेड आएगी, वो सेम आएगी, सेम आएगी। अच्छा वो छोटे वाला उसको रोक रहा है कि ना जाओ भाई, क्योंकि वो अकेला रह जाएगा ना, ये छोटे वाला है और बड़े वाला जो है माशाल्लाह काफ़ी कलरफुल हो गया, क्या कह रहे हो मैं, चलो चल इनको मैं निकाल दूँ हमारे टॉयज का नाम आ रहा है, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ यहाँ से आ जाओ, ये आपका घर है आपको पता चल गया ना, कल रात आपने इंशाल्लाह यहाँ रहना, आपका जो सफ़र है ना इन केज में जो सफ़र होता है आपका वो आपका कल से सफ़र ख़त्म हो जाएगा, कल से आप इस वाले केज को छोड़ दोगे अपने घर में शिफ्ट हो जाओगे, फिर इंशाल्लाह इनकी भी ब्रीडिंग शुरू हो जाएगी, उसके बाद इनके भी बच्चे आएंगे। तो यार यहाँ पे करते हैं हम अपने व्लॉग का एंड, मिलते हैं कल आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।